Hi everyone, good afternoon. Welcome to Unacademy Neet, guys. सब दिख रहा है, सुन रहा है? Hi guys. Okay, let me check. Yes. Hi guys. Hi. Hi everyone. Welcome. Once again to Unacademy Neet and to our last session of this chapter, जिसमें आज हम biomolecules करने वाले हैं. biomolecules का बिल्कुल end वाला हिस्सा. basically हम all major biomolecules discuss कर चुके हैं. we have discussed polysaccharides, we have discussed sugars and then followed by proteins. proteins के बाद हमने lipids कर लिए, lipids के बाद nucleic acid कर लिया. अब major जो biomolecule है वो done है. अब हम क्या करने वाले, किसी एक टाइप के बायोमोलिक्यूल का डिटेल. अब कौन सा बायोमोलिक्यूल है? प्रोटीन. सो वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोटीन इज एंजाइम्स. हमने वहां पर पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोटीन्स मेजरली क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं. दे आर कॉल्ड एज एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. तो आज हम एंजाइम्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? और आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसीलिए आज इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल क्लास में. लिंक मैंने पिन करा दिया है चैट बॉक्स में. कैन यू सी द लिंक? लिंक दिख रहा है बेटा? चैट बॉक्स में आपके पास लिंक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कितने बजे बेटा? बजे है 5:30. दैट मीन्स राइट आफ्टर दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. लिंक इज पिंड इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में आपके पास क्या प्रेजेंट है बेटा जी? लिंक है. आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एंड कल बेटा फास्ट ट्रैक रिविजन कराऊंगी इसी चैप्टर की, इस टाइम पर ऑन यूट्यूब. एंड देन सम मोर गुड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द इवनिंग टुमारो इन आवर स्पेशल क्लासेस. आप जानते हैं हम प्रैक्टिस कहाँ पर करते हैं? स्पेशल क्लासेस में करते हैं. एंड यूट्यूब पे अपना रेगुलर टाइम क्या है बेटा जी? 3 PM. तो आप याद रखिएगा कि हर रोज आपको लाइव आना है, इस समय आना है. एंड मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ह्यूमन फिजियोलॉजी. अब 11th में जो मेजर पोर्शन है, इनफैक्ट पूरे 11th और 12th में सबसे ज्यादा क्या आता है आपका? ह्यूमन फिजियो आती है, जो हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं विद अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. बाकी मैम की प्रोफाइल दी हुई है, यानी कि मेरी प्रोफाइल दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. उस पर जाके हिट करोगे तो सब चीज़ें पता चल जाएंगी. आई हैव वर्क विद लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस. एंड आप मेरे से अनअकैडमी के अब एक्सट्रीम बैचेस में पढ़ सकते हैं, ठीक है? पढ़ सकते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं प्लस पर बैच. प्लस पे और आइकॉनिक पे भी हमने सेम बैच का नाम रखा है, दैट इज बेटा जी मेधावी. वहां पर मेरा 2022 का भी बैच चल रहा है एंड 2023 का भी चल रहा है. तो 11th, 12th और ड्रॉपर तीनों बच्चे वहां पर आकर सीख सकते हैं, क्योंकि बेटा वहां पर लाइव क्लासेस होती हैं. आप मेरे से ऑडियो में बात कर सकते हो. यू नो देयर इज मच मोर इंटरेक्शन पॉसिबल एज कंपेयर टू यूट्यूब ओवर देयर. सो यू गाइज कैन आइदर एनरोल इन प्लस क्लास, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर बेटा जी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. दोनों टाइप के सब्सक्रिप्शन में आपको मैम के लाइव लेक्चर्स, नोट्स, सब कुछ मिलता है. द डिफरेंस इज ओनली दिस दैट आइकॉनिक में बेटा जी आपको मिलती है 1-to-1 मेंटोरशिप, ठीक है? तो दोनों के लिए कोड सेम रहेगा, जिससे आपको मॉनिटरी बेनिफिट भी होगा एंड प्रॉपर सारे टीचर्स की गाइडेंस भी मिलेगी. दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ. आपके सामने बेटा अमाउंट है, तो आप देख सकते हैं. और मैंने ना देखा है कि बच्चे अल्टीमेटली आते हैं, हमारे पास ही आते हैं, लेकिन वो समय निकाल देते हैं. बहुत समय वेस्ट करेंगे, 1-1.5 महीना बेटा ऐसे ही निकलता जाएगा यूट्यूब पे. अल्टीमेटली अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रिपेयर करना चाहते हैं बेटा, देन दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू. अगर आपको यूट्यूब पे चीज़ें समझ आती हैं, देन अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक पे बेटा यू कैन नॉट इमेजिन कि किस लेवल की आपकी तैयारी होती है, ठीक है बेटा जी? स्टार्ट करें फिर. शुड वी स्टार्ट विद एंजाइम्स? यस गाइस, कर दें, बता दो यार एक बारी सब बच्चे. हाँ जी, कम ऑन गाइस. और साथ में ये भी बता दो कि एंजाइम्स एक एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे, एसिड इन सॉल्युबल पूल में आएंगे. हाँ जी, ये भी साथ साथ बता दीजिए, सॉल्युबल पूल में आएंगे या फिर इन सॉल्युबल पूल में आएंगे. तो थोड़ा सा तो तुम्हारी बैक नॉलेज चेक की जाए, है ना? बताइए बताइए, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? दिमाग लड़ाओ यार, तुम्हें बताया हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एंजाइम्स क्या होते हैं, अब तुम्हें दिमाग लड़ाना है. हाँ जी,
बिल्कुल बिल्कुल, एनी वन कैन स्टडी हियर। प्लस टू स्टूडेंट्स यानी कि जो ड्रॉपर्स हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं। 11, देखो मेरे सेशंस कभी भी ऐसे नहीं होते कि 2022 और 3 वाला ही करेगा, 2024 वाला भी कर सकता है बिल्कुल, 2025 वाले भी बच्चे जो पहले से ही बिल्कुल जिनका एम क्लियर होता है, उनको पता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, इट इज़ बेस्ट फॉर देम टू स्टार्ट अर्ली। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, मैं तो बोलती हूँ उतनी जल्दी 1 digit या 2 digit रैंक में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ, इनसॉल्युबल में चलिए देख लेते हैं, आज आपको प्रूव करके दिखाई देते हैं कि जो एंजाइम्स हैं, हाँ जी, एंजाइम्स बेसिकली क्या हैं। तो अगर मैं बात करूँ बेटा जी एंजाइम्स की, ठीक है, एंजाइम्स आर नथिंग, दे आर जस्ट बेटा जी प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स विद 2 exceptions। तो अगर एक एंजाइम प्रोटीन है तो प्रोटीन किस पूल में आता है? प्रोटीन आता है बेटा आपका रिटेंटेट फ्रैक्शन में, है ना, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल है। क्या है ये? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, सो इट कम्स अंडर रिटेंटेट फ्रैक्शन, यानी कि किस पूल में आता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, ठीक है, इट कम्स इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो इतना क्लियर हो गया दैट ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट देयर इज वन एक्सेप्शन। हानली, मैंने आपको बताया यार बायोलॉजी में एक्सेप्शन नहीं करी तो क्या किया, और क्वेश्चन मोस्टली एक्सेप्शन भी आता है। तो एंजाइम्स नो डाउट प्रोटीन्स हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं है, जो कोई और बायोमोलिक्यूल है। एक और बेटा बायोमोलिक्यूल पढ़ा था, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ये भी बायोमोलिक्यूल था ना, पिछली क्लास में किया था। सो एक्सेप्शन इज बेटा जी दैट इज राइबो न्यूक्लियस पी, दिस इज नॉट अ प्रोटीन बट इट इज एन एंजाइम। अनदर एग्जाम्पल इज राइबोजाइम, अनदर एग्जाम्पल बेटा जी इज राइबोजाइम। अब ये जो दोनों एंजाइम्स है ना, दे आर नॉट प्रोटीन्स, दे आर बेसिकली बेटा जी आरएनए, ठीक है, दे आरएनए विच एक्ट्स एज एंजाइम, ठीक है, यस। सो ऑल एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोन्यूक्लियस पी एंड राइबोजाइम विच आर आरएनए एंड विच एक्ट्स एज एंजाइम। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई थी, हु डिस्कवर्ड, यस, टॉकिंग अबाउट बेटा जी द डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, देन दे वर डिस्कवर्ड बाय चांस। एक मूवी है बेटा सेरेंडिपिटी, पता नहीं देखी है कि नहीं, इट्स एन इंग्लिश मूवी। सो सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है? सेरेंडिपिटी का मतलब होता है बाय चांस, कि निकले तो कुछ और देखने के लिए थे, मिल कुछ और गया, है ना। तो दे वर स्टडिंग अबाउट द यीस्ट एंड वो देख रहे थे कि किस तरीके से यीस्ट ना कुछ टाइम में खराब हो जाती थी। सो दैट टाइम दे डिस्कवर्ड कि कौन सी ऐसी चीज है बेटा जिसने उसको स्पॉइल किया है। सो एंजाइम्स दे वर डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बूशनर, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बूशनर एंड दे वर कंप्लीटली डिस्कवर्ड आउट ऑफ सेरेंडिपिटी, बाय चांस, याद रखना। मूवी भी देख लेना बेटा, जब नीट हो जाएगा ना उसके बाद मूवी देख लेना, बाय सेरेंडिपिटी, ठीक है, ओके। सो डिस्कवरी देख ली, अब बात आई कि उन्हें पता चल गया कि किसने उस यीस्ट को, उस सॉल्यूशन को खराब किया, ठीक है, क्या नाम दें इनको, यस। अब बात आती है कि डिस्कवर हो गए, नाम देना शुरू करो, है ना। तो नेमिंग की बात आई, किसकी बात आई बेटा जी? नेमिंग की बात आई, टॉकिंग अबाउट द नेमिंग ऑफ एंजाइम। अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग नाम दिए, जैसे होता नहीं घर में बच्चा पैदा होता है, हर बंदा एक अपना ही नाम रख रहा है। किसी को गोल चेहरे वाला लग रहा है तो वो गोलू कहला रहा है, किसी को बेटा मून की तरह दिख रहा है तो मून कहला रहा है, किसी को बेटा अपनी दादी की तरह दिख रहा है तो दादी के नाम से बोल रहे हैं, ना। तो everyone started giving names कि कैसे नाम दे, बड़े सारे तरीके आए। हाँ जी, पहला तरीका क्या आया नेमिंग के बारे में बेटा जी? अगर बात करें, पहला मेथड आया कि यार पता क्या करो, तुम लोग ना लास्ट में इसके एज लगा दो, ठीक है, बहुत आसान है, एंजाइम बन जाएगा वो, जैसे कि सुक्रेज एंजाइम है, ठीक है, सुक्रोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, हाइड्रोलेज एज आ गया, कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, ये सारे क्या है? एंजाइम है। दिस इज वन वे ऑफ नेमिंग, ठीक है, लास्ट में आप क्या लगा दीजिए? एज लगा दीजिए। चलिए दूसरा मेथड आया, ठीक है, ये भी मेथड बुरा नहीं है, बट हर एक के आगे यू नो एज एज अ सफिक्स जचता भी नहीं है, तो हमने एक्सेप्ट किया बट नॉट
यू नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. अब अगला मेथड आया कि आप क्या करिए, जहां से एंजाइम मिला ना उसके हिसाब से उसका नाम कर दो. ठीक है, लाइक पपाया से एंजाइम मिला है उसका नाम क्या कर दो, पेपेन कर दो. फाइकस से एंजाइम मिला है उसका नाम क्या कर दो, फाइसिन कर दो. दैट मीन्स नेमिंग को आप कर दीजिए डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स. जिस जगह से एंजाइम ले रहे हो वैसा ही नाम रख दो. ठीक है, ये भी बात ठीक है यार, ठीक है. लेकिन हर जगह पपाया को पपाया तो नहीं बोलते, है ना. कुछ लोग पपाया बोलेंगे, कुछ लोग पपीता बोलेंगे. अब पपीता वाले क्या करेंगे, राइट. सो ये भी हमें इतना अच्छा मेथड नहीं लगा कि सोर्स का नाम डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इट कुड बी डिफरेंट, है ना. अलग अलग नाम हो सकते हैं, इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड मेथड. ठीक, देन बेटा उससे अगला मेथड आया कि जो एंजाइम काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन नेमिंग दे दो. मान लीजिए वो रिडक्शन कर रहा है तो रिडक्टेज दे दो. वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज दे दो. वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरेज दे दो, है ना. वो आइसोमर बना रहा है, आइसोमरेज दे दो. तो यार कितनों को ऐसे दोगे, कितनों को, स्टैंडर्ड सा नहीं बन रहा. ठीक है, तो स्टैंडर्ड नेमिंग का किसने दिया, मतलब स्टैंडर्ड बिल्कुल जो हर कंट्री, सारे साइंटिस्ट सबको फॉलो करना रहेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर द नेमिंग वॉज गिवन बाय, किसने दिया बेटा, IUB. किसने दिया, IUB. IUB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री. इन्होंने दिया, बिल्कुल स्टैंडर्ड नेमिंग का तरीका दे दिया. इन्होंने बोला एवरी एंजाइम शुड बी गिवन एन EC नंबर. हर एंजाइम को क्या मिलना चाहिए, एक EC नंबर मिलना चाहिए. ठीक है, क्या मिलना चाहिए, EC नंबर, दैट इज एंजाइम कमीशन नंबर. कौन सा नंबर देंगे, एंजाइम कमीशन नंबर. ठीक है, एवरी एंजाइम इज गोइंग टू हैव अ 4-digit EC नंबर, दैट इज एंजाइम कमीशन नंबर. अब इसमें मैंने क्या बोला, 4 digits होंगे बेटा जी. क्या होंगे, 4 digit. हाँ जी ठीक है बेटा, तुम राजस्थान से हो, ठीक है मेहर, ओके ओके. क्या करें फिर, हैं क्या करें, घूमने आ जाएं वहाँ पर, बताओ. यस यस, घूमने आ जाएं. क्या क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, पूरे घुमाई घूमने आते हैं बेटा, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, ब्यूटीफुल लोकेशंस. यस ब्यूटीफुल. वही मैं कहती हूँ, इस सबसे क्या होगा, ट्रैवलर बन जाते हैं, है ना, ट्रैवलर बन जाते हैं, राइट. हाँ ठीक है ठीक है, आएंगे आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे. लेकिन नीट क्रैक करके आए तो थोड़ी इज्जत से आएंगे. डॉक्टर बन के जाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लोग थोड़ा सलाम देंगे तुमको, बोलेंगे डॉक्टर साहब है. ऐसे जाओगे तो बेटा कहाँ से इज्जत आएगी, है ना. कब तक ये बोलते रहोगे कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं. कभी तो ये प्रिपरेशन एंड करोगे, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी डॉक्टर बन जाओगे. तो बेटर है बेटा थोड़ी सी यू नो अपनी कॉन्फिडेंस साथ में लेके जाओ, जो चीज़ करने निकले हो वो करो, है ना. तो यहाँ पर आया, हर एंजाइम का एक EC नंबर होता है, एंजाइम कमीशन नंबर होता है. ये जो एंजाइम कमीशन नंबर है वो 4 digits का बना होता है. कितने डिजिट्स का बना है बेटा जी, 4 digit का बना है. ठीक, तो बात करते हैं बेटा EC नंबर की. यस, EC नंबर इज मेड अप ऑफ 4 digits. फॉर एग्जाम्पल 2.1.6.4, इस तरीके का एक EC नंबर होता है. ठीक है, द फर्स्ट नंबर एक्चुअली डिनोट्स द क्लास ऑफ द एंजाइम. पहला नंबर क्या डिनोट करता है बेटा जी, द क्लास ऑफ द एंजाइम. और एक एंजाइम की 6 क्लासेस में से कोई एक हो सकती है. इट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 6, जो हमने पढ़नी है, जो NCERT भी बताती है. ठीक है, एंड में दिया हुए पोर्शन में पहले करा रही हूँ आपको. ठीक है, सो एवरी एंजाइम इज गोइंग टू हैव अ EC नंबर. EC नंबर कंसिस्ट ऑफ 4 digits. पहला जो डिजिट है वो बताता है कि एंजाइम किस क्लास को बिलोंग करता है, और 6 हो सकती है, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेकेंड नंबर इज गोइंग टू डिनोट द सब क्लास. सेकेंड नंबर इज गोइंग टू डिनोट द सब क्लास ऑफ द एंजाइम. देन बेटा ये डिनोट करेगा सब डिविजन, सब क्लास भी बोल सकते हैं इसको. This is going to denote the subdivision, and the last one is going to denote the reaction catalyzed.
ठीक बेटा जी, ठीक। हमने क्या पढ़नी है कि एंजाइम की सिक्स क्लासेस कौन सी है, विच आर दो सिक्स क्लासेस। ये जो हमने बात की है ना, दैट हर एंजाइम इन छह में से किसी ना किसी क्लास को बिलोंग करेगा। तो वन बाय वन क्लास देख लेते हैं। क्लास नंबर वन, आप सोचोगे मैम कौन सी क्लास, स्कूल में होती थी ना क्लासेस, वैसी बेटा एंजाइम को भी क्लासेस दे दी हैं। पहली जो क्लास है वो कहलाती है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, जो भी एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेगा वो इस क्लास के अंदर आएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेटा केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना, सब बच्चे पढ़े हैं केमिस्ट्री में। क्या होती है ऑक्सीडेशन, हाँ जी बताइए। वो वाली मत बताना यार, सेवेंथ क्लास वाली डेफिनेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यू हैव टू टेल मी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बताइए बताइए बताइए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के टर्म में बताइए, जरा मैं चेक करूं। बताइए, हाँ जी कम ऑन, हाँ जी, क्या होती है ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन है, फिर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, यस। 3D सेशन कहाँ मिलेगा बेटा, जहाँ मेरी सीरीज थी वहीं मिलेगा, कुछ देर में उसको हम मतलब सम यू नो प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड इट, सो कुछ दिनों में हम उसको फिर से पब्लिक कर देंगे। बिल्कुल, मुझे पता है कि आपको कितना प्यार है 3D सेशन से, पूरी फिजियोलॉजी 3D में कराई थी। कोई बात नहीं बेटा, मंडे को मैं जो फिजियोलॉजी शुरू कर रही हूँ ना, उसमें भी आपको 3D के ग्लिम्सेस मिलेंगे, ठीक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो जो एंजाइम बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, क्लास वन की कैटेगरी में आएंगे, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि इस तरीके की रिएक्शन है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक, यस, इस तरीके की रिएक्शन ट्रांसफर हो गए बेटा। ए के पास 2 पॉजिटिव था, अब बी के पास आ गया, बी के पास 3 पॉजिटिव था, वो अब ए के पास आ गया। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कैटालेज, है ना, एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कैटालेज, पर ऑक्सीडेज डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यस, ये आएंगे आपके क्लास वन एंजाइम में। क्लास टू एंजाइम बेटा ये भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं करते बेटा जी, ये कोई ना कोई ग्रुप ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इनका नाम है ट्रांसफरेज, दे विल ट्रांसफर समथिंग, है ना, कुछ कुछ ट्रांसफर करेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे, आ जाइए। यानी कि मान लीजिए ए के पास एक्स था, एक्स कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कोई और ग्रुप हो सकता है, इसने किसको दे दिया, बी को दे दिया, लाइक दिस, ठीक, ऐसा हो सकता है, हाँ जी। तो ट्रांसफर करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा, ट्रांसफरेज कहलाएगा। एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी लाइक ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस कीटोलेज, कीटोन ग्रुप ट्रांसफर करेंगे, है ना। देन अनदर कैटेगरीज काइनेजेस, काइनेज क्या ट्रांसफर करती है, फॉस्फेट ग्रुप, हेक्सोकाइनेज याद है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है, ठीक, हाँ जी। चलिए तीसरी क्लास पे आते हैं, थर्ड क्लास इज कॉल्ड एज हाइड्रोलेज, थर्ड क्लास बेटा जी इज कॉल्ड एज हाइड्रोलेज। ये क्या करेगी, तोड़ेगी, इट विल ब्रेक डाउन समथिंग बट इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, ये क्या करेगी बेटा जी, तोड़ेगी, ठीक, इट इज गोइंग टू ब्रेक समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर, हाँ जी, तोड़ दें, चलिए तोड़ देते हैं, सुक्रोज को तोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर तो क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, सुक्रोज को तोड़ा तो क्या निकला, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, किसकी प्रेजेंस में, नेम द एंजाइम गाइस, नेम द एंजाइम, एंजाइम हियर इज गोइंग टू बी सुक्रेज, यस सुक्रेज। इसी तरीके से बेटा जो भी तोड़ रहा है, जैसे सुक्रेज हो गया, अमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ऐसे एंजाइम्स जो पानी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, एंड ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एग्जाम्पल ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम दे कम इन टू
दिस कैटेगरी, जो ब्रेक डाउन करते हैं. क्या करते हैं बेटा जी? ब्रेक डाउन करते हैं. हाँ जी, कोई आइडिया क्लास फोर का? यस गाइस, कमिंग टू क्लास फोर. क्लास फोर तीन तो हो गए, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज एंड हाइड्रोलेजेस. यस, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी लाइज भी क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे. दे विल ऑल्सो कैटालाइज सच रिएक्शन जो ब्रेक डाउन करते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ वॉटर, पानी की एब्सेंस में करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? पानी की एब्सेंस में करते हैं. बेटा ये पूछा जाएगा पेपर में, क्लास वन कौन सी है, क्लास थ्री बताइए, क्लास फोर के एग्जाम्पल इसमें से कौन से हैं, है ना? लग आपको क्या रही है? केमिस्ट्री लग रही है, बट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम्पल इज एल्डोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ठीक, हाँ जी, अब आते हैं क्लास फाइव पे. क्लास फाइव इज कॉल्ड एज आइसोमरेजेस. आइसोमरेजेस तो बहुत ईजी है, आपने पढ़ा हुआ है, आइसोमर्स बनाने के लिए. ठीक है, आइसोमर्स बनाने के लिए, राइट? एग्जाम्पल हेयर इज गोइंग टू बी फॉस्फोफ्रक्टो, बेटा फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेजेस. रेस्पिरेशन की रिएक्शन में करते हो, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. सिंपल, आइसोमर्स बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं दे आर आइसोमरेजेस. एंड द लास्ट क्लास, दैट इज क्लास नंबर सिक्स, इज कॉल्ड एज लाइगेजेस. लाइगेजेस का मतलब होता है जो जोड़ता है, जो बेटा बॉन्ड बनाता है. ऐसा एंजाइम जो बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं वो क्या है? लाइगेजेस. चलो जी बेटा ड्रॉपर लोग, कौन सा लाइगेज पढ़ा है आपने? दिस इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स. यस, एग्जाम्पल जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं हम डीएनए लाइगेज. और कौन सा करते हैं? रुबिस्को पेपकेज. पेपकेज, रुबिस्को, ये सब क्या है बेटा जी? लाइगेजेस में आते हैं. क्या है बेटा? लाइगेजेस में आते हैं. तो अगर मैं वापस जाऊं, किस पे जाऊं बेटा? अगर मैं वापस जाऊं एंजाइम कमीशन नंबर पे एंड आपसे मैं पूछूं, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, टेल मी बेटा जी द क्लास ऑफ दिस एंजाइम. यस, टेल मी द क्लास ऑफ दिस एंजाइम. आपके सामने ईसी नंबर दिया हुआ है 4.1.2.3. हाँ जी बताइए, इसकी क्लास बताइए. यस यस यस, कम ऑन, क्लास बताइए. आई हैव गिवन यू द ईसी नंबर, दैट इज 4.1.2.3. आपको सिर्फ किसको देना है? देखना है बेटा जी, ईसी नंबर में आपको क्लास का नंबर भी दिया हुआ है, सब क्लास, सब डिविजन, रिएक्शन, कैटालाइज. आपको सिर्फ किसको देखना है? फर्स्ट नंबर को देखना है. इग्नोर ऑल दी अदर नंबर्स, वो आपके काम के नहीं है. सवाल में आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर को देखना है. एंड दे आर आस्किंग अबाउट द फोर्थ क्लास. फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम इज गोइंग टू बी वेरी गुड. इट इज गोइंग टू बी बेटा जी लाइजेस. ठीक है, लाइजेस. तो आप याद रखिए इस चीज को, दैट द एंजाइम इज क्लासेस, दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस. इस तरीके से क्लासेस होंगी बेटा. ओह डर गया, इट वॉज सो स्केरी. जैसे जैसे मतलब भूत आया होता है. एक्चुअली समथिंग जस्ट फेल, वो जो माइक का होता नहीं, वो जस्ट अचानक से नीचे गिरा और आवाज आई. आई थॉट कि पता नहीं क्या आया है. बच गई बेटा, कोई नहीं आया. ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज ओ टी एच एल आई एल. ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, ओ फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज एंड लाइगेजेस. आपको भी आई थी क्या बेटा आवाज? यस, आपको भी आवाज आई थी क्या? है, तुम्हें भी आवाज आई? चलो बेटा बच गए. यहाँ भूत आ जाता तुम्हारी तैयारी कैसे होती? ठीक है, सोचो क्लास में आ रहा है. यस हाँ, इट वॉज स्कैरी क्योंकि अचानक से बेटा स्टूडियो में कोई नहीं है एंड ऐसी आवाज़ आई, पता नहीं जैसे कौन आ गया. बट एनीवे
चलिए आगे आ जाइए. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी टाइप्स ऑफ एंजाइम. तो कुछ एंजाइम तो बेटा जी होते हैं सिंपल एंजाइम्स. कैसे होते हैं सिंपल एंजाइम? सिंपल यानी कि कोई झमेला नहीं है, अपने रियल एंजाइम है. रियल एंजाइम यानी कि हमारे में सिर्फ कौन सा कॉम्पोनेंट है? ओनली प्रोटीन कॉम्पोनेंट है. ठीक है, ओनली प्रोटीनेशियस पार्ट जो प्रोटीन एंजाइम है, अगर उसमें सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट है दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज सिंपल एंजाइम. एग्जाम्पल जैसा कि ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन है ना, सिर्फ प्रोटीन का पार्ट है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल. जैसे लिपिड नहीं थे, सिंपल लिपिड्स, सिर्फ फैटी एसिड और अल्कोहल था और कुछ नहीं था, वैसे ही बेटा सिंपल एंजाइम्स है. अब दूसरी कैटेगरी के एंजाइम होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम. देयर आर सम एंजाइम्स विच आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एंजाइम. कॉन्जुगेट यानी कि जो बड़े मिलनसार है, वो एक दूसरे से भी पूरे बॉन्ड वॉन्ड बनाते हैं और इकट्ठे रहना पसंद करते हैं. यानी कि ये एंजाइम वो है जिसके पास प्रोटीन पार्ट भी है, प्लस बेटा जी जिसके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी है, बिल्कुल. और इसने कॉन्जुगेट वाले ने ऐसा बॉन्ड बना रखा है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके बिना बेटा इसका गुजारा नहीं है, काम नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स ये जो कॉन्जुगेट एंजाइम है उसकी फंक्शनैलिटी तभी पॉसिबल है अगर बेटा उसके पास ये नॉन प्रोटीन पार्ट होगा. ठीक है, समझे? तो ये एंजाइम बेटा जी ऐसा है जिसने अपने साथ किसी को रखा हुआ है और वो जो साथी है इसका वही इसको फंक्शनल बनाता है. वो होता नहीं कि तुम ही मुझे पूरा करते हो, बिल्कुल तुम्हारे बिना मेरी रूह अधूरी है. तो ये वही हाल है बेटा कॉन्जुगेट एंजाइम का. इसकी नॉन प्रोटीन पार्ट के बिना रूह क्या है? अधूरी है, क्योंकि बेटा फंक्शनल ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो अभी कॉन्जुगेट एंजाइम को बोला क्या जाता है? दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज होलोजाइम. क्या बोला जाता है? होलो एंजाइम बोल लो, होलोजाइम बोल लो, जिसके पास एक प्रोटीन पार्ट होगा. प्रोटीन पार्ट को क्या बोला जाता है? एपोजाइम. प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम या फिर एपोजाइम. ठीक है, हाँ जी. अब एपोजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर. ठीक, रिएक्शन समझ आई कि नहीं आई? कॉन्जुगेट एंजाइम अपना होलो एंजाइम है या फिर होलोजाइम बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, प्लस प्रोटीन पार्ट दैट इज द एपोजाइम प्लस द नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज कॉल्ड एज अ कोफैक्टर. अब ये जो कोफैक्टर है ना, दिस कोफैक्टर कुड आइदर बी ऑर्गेनिक, दिस कोफैक्टर कुड आइदर बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. कैसा भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. अब अगर तो यार वो ऑर्गेनिक है, मान लेते हैं कि वो कौन सा है, ऑर्गेनिक है. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज कॉल्ड एज कोएंजाइम. इट इज कॉल्ड एज कोएंजाइम. नाउ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज द वन जो कि बड़ा लूजली बाउंड होता है, मतलब जुड़ा हुआ है एपो से बट ढीला ढाला जुड़ा हुआ है, वो ऐसे टाइट चिपकने वाली आदत नहीं है उसकी. ठीक है, सो दिस इज दैट कोफैक्टर विच इज लूजली बाउंड टू द एपोजाइम. लूजली बाउंड है, एग्जाम्पल नियासिन, मतलब विटामिन बी के टाइप्स हैं आपके. ठीक है, नियासिन हो जाएगा, रिबोफ्लेविन हो जाएगा जो इसमें आएंगे. एग्जाम्पल नियासिन, रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन. यस गाइस, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज गोइंग टू बी प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप. नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज दैट ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि टाइटली बाउंड है, बड़ी यू नो अच्छे बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, विच इज टाइटली बाउंड. टाइटली बाउंड टू द एपोजाइम. हाँ जी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा जी प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है. दैट इज हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर कैटालेज और इट इज ऑल्सो प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर पर ऑक्सीडेज. ठीक है, तो एक टाइप के कोफैक्टर हमने कर लिए हैं. कौन से टाइप के कोफैक्टर करे हैं? ऑर्गेनिक कोफैक्टर. अब क्या जरूरी है वो ऑर्गेनिक होगा? कोई जरूरी नहीं है, इट कुड बी इनऑर्गेनिक एज वेल, है ना, इट कुड बी इनऑर्गेनिक एज वेल. तो यहां पर कर लेते हैं
इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है कि नहीं है? हैं बेटा जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है या नहीं है? पसंद हो ना हो करना तो है ना, यहाँ पे पसंद थोड़ा चलती है। सो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कुड आइदर बी मेटल आयन और इट कुड बी नॉन मेटल। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मुझे सलाइवरी एमाइलेज को फंक्शनल करना है तो मुझे एक आयन चाहिए होता है, कौन सा? क्लोराइड आयन, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन फॉर सलाइवरी एमाइलेज, एस फॉर सलाइवरी, है ना? यस, एस फॉर सलाइवरी। देन यू हैव जिंक एज अ कोफैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है बेटा जी। तो ये हो गए आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो किसी भी कॉन्जुगेट एंजाइम को फंक्शनल करना है यू नीड अ कोफैक्टर। कोफैक्टर कुड बी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की टाइप्स कर ली, कोफैक्टर कुड बी इनऑर्गेनिक एज वेल। याद रहेगा? हाँ जी बेटा जी, बता दो याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें से आते हैं भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, भर भर के बेटा जी, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, ठीक है। यस, हाँ, तो अब बेसिक्स आपको पता चल गए हैं। ये दो सबसे वैसे पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन आता है। अब कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक। मूविंग ऑन टू बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। पहली प्रॉपर्टी सबने देख ली है ना, पहली प्रॉपर्टी बेटा सबने देख ली है दैट एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स एक्सेप्ट टू एंजाइम। अब एंजाइम का काम क्या है, क्यों लेके आते हो उसे रिएक्शन में, हैं? एंजाइम को क्यों लेके आते हो? क्योंकि बेटा अपनी जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन में आई वॉन्ट टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इंटू प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, सबस्ट्रेट इंटू प्रोडक्ट करना है। कई बार ये रिएक्शन मतलब बड़ी स्लो चल रही है, घंटों लगा रही है प्रोडक्ट बनाने में, तब तक बेटा लिविंग सिस्टम की हालत खराब हो जाए। हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, फास्ट करना है, जल्दी सेकंड्स में इस काम को करना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम सीन में किसको लेके आते हैं, एंजाइम को लेके आते हैं। सो एंजाइम दे एक्ट एज द कैटालिस्ट इन योर बॉडी। केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है ना, जो रिएक्शन का रेट क्या करता है, बढ़ा देता है। वही काम, रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर कौन कर रहा है, एंजाइम्स। सिंस ये कैटलिस्ट है, मान लिया चलो कैटलिस्ट है, बॉडी के अपने लिविंग सिस्टम के कैटलिस्ट हैं, इसीलिए बेटा जी इनको बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। दे आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट बिकॉज बेटा दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन साइड द लिविंग सिस्टम। अब क्या आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा रिएक्शन है जो बिना एंजाइम के चल रहा है? यस गाइस, क्या आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा रिएक्शन है विच इज वर्किंग विदाउट एनी एंजाइम? कम ऑन टेल मी, कोई होता है आपके? सोच के देखो यार, सोच के देखो, होता होगा कोई आपकी बॉडी में ऐसा रिएक्शन विच इज विदाउट एन एंजाइम? हाँ हाँ बताइए, वाइल्ड गैस बेटा, वाइल्ड गैस लगाना आज, ठीक है। देयर इज नो रिएक्शन बेटा जी, नो रिएक्शन इन योर बॉडी इज विदाउट दिस एंजाइम। दैट मीन्स ऑल रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑल द रिएक्शंस दे आर यू नो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइमैटिक होती हैं सारी की सारी रिएक्शन बेटा जी। क्या होती है आपकी? एंजाइमैटिक होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? एंजाइमैटिक होती है। तो देख लेते हैं बेटा किस तरीके से काम करता है ये। हाँ जी, सो एंजाइम्स दे आर बेसिकली प्रोटीन्स, बट दे आर दोज प्रोटीन्स बेटा जी, प्रोटीन याद है जिसमें ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता था, दूर दूर पर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते थे, है ना, दूर दूर पर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते थे, दिस वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन एंजाइम इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एंजाइम बेटा जी दे एग्जिस्ट इन द टर्शरी स्ट्रक्चर। गोला बन गया, ऊन का गोला बेटा, ऐसे बनाते जाना है, सीधा नहीं रखना, पूरा गोला बना देना है। दैट मीन्स दे
occur in the globular structure of the protein, जिसके अंदर ये important amino acid beta G इकट्ठे हो जाए and ये मिलके क्या बना दे, enzyme की active site बना दे, ठीक है? This is the active site of the enzyme. Active site of the enzyme. बात समझ आई? तो enzyme कौन सा protein है? एंजाइम बेटा वो प्रोटीन है जो किस स्ट्रक्चर में आता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में आता है. किस स्ट्रक्चर में आता है? टर्शरी स्ट्रक्चर में आता है. वो क्या प्राइमरी में नहीं रह सकता? नहीं, क्योंकि प्राइमरी तो फंक्शनली नहीं होता. एंजाइम को अगर फंक्शन करना है तो वो किस स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा उसको? टर्शरी. और टर्शरी में आकर ही एंजाइम के पास क्या बनेगी? एक्टिव साइट. अब एक्टिव साइट क्या होती है? व्हाट इज एक्टिव साइट? एक्टिव साइट बेटा जी, इट इज दैट साइट टू विच सबस्ट्रेट बाइंड्स. ठीक है, इट इज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. इट इज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट. सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड एज बेटा जी एक्टिव साइट. याद रहेगा? ये देख लीजिए. हाँ जी, सो ये आपका एक पूरा एंजाइम है. एंजाइम के पास दिस इज द एक्टिव साइट. कैसे बनी बेटा? टर्शरी में ही बनेगी, प्राइमरी में नहीं बन सकती. एंड टू दिस एक्टिव साइट देयर इज बाइंडिंग ऑफ दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ठीक है, कौन जुड़ता है यहां पर आकर? सबस्ट्रेट. सो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. ठीक है, यस. तो एंजाइम एक फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है? चलो बताओ, एंजाइम एक फाइब्रस प्रोटीन है या फिर एक ग्लोबुलर प्रोटीन है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए. कम ऑन, देख लो, आपके सामने बना हुआ है. इज इट अ फाइब्रस प्रोटीन और अ ग्लोबुलर प्रोटीन? कैसे सिखाया था? फाइबर मतलब धागा, धागे की तरह है, या फिर ग्लोबुलर मतलब गोला, गोल, बॉल की तरह है? ठीक है, धागे की तरह कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर. लेकिन एंजाइम तो प्राइमरी नहीं है. एंजाइम तो कैसे स्ट्रक्चर में आता है? टर्शरी. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन. बिल्कुल सही है, बिल्कुल. अब एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करनी है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है? बढ़ाना है. कैसे बढ़ाएगा बेटा? हाउ डज एंजाइम वर्क्स? लेट अस सी. देखिए, बेसिक रिएक्शन दैट वी वांट इज टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. ये हम चाहते हैं, लेकिन अपने आप नहीं हो पा रहा, बड़ा स्लो हो पा रहा है. तो हमने क्या किया? सबस्ट्रेट के साथ किसको मिला दिया? एंजाइम को मिला दिया. तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया. दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे. यानी कि सबस्ट्रेट इज गोइंग टू ब्रेक एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म सम न्यू बॉन्ड्स. न्यू बॉन्ड्स बन जाएंगे तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा, अब सबस्ट्रेट नहीं बचेगा. तो अब एंजाइम के साथ प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोडक्ट इज गोइंग टू सेपरेट एंड एंजाइम इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द रिएक्शन अनहार्म्ड. वो होता नहीं बेटा, लड़ाई को सॉल्व कराने के लिए दो पर्सन आपस में लड़ रहे हैं. कौन लड़ रहे हैं? सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट लड़ रहे हैं. लेकिन एंजाइम बीच में गए, पूरा मीडिएटर बन के, है ना, मीडिएटर बन के उनकी लड़ाई वड़ाई सब सॉल्व करा दी और खुद निकल के आ गए, है ना, खुद क्या हो गए, निकल के आ गए. तो एंजाइम भी बिल्कुल ऐसा है. एंजाइम को रिएक्शन में कुछ नहीं होता. यस, जैसे अंदर गए थे वैसे ही बाहर आ गए. दैट मीन्स एंजाइम्स दे आर अनहार्म्ड इन द रिएक्शन. कोई दुख दर्द नहीं होता इनको, बस ये अपना काम करते हैं और निकल के आ जाते हैं. जैसा अंदर गया वैसा बाहर आ गए. लेकिन सबस्ट्रेट जैसा अंदर गया क्या वैसा बाहर आया? हाँ जी, बताइए. सबस्ट्रेट जैसा अंदर गया क्या वैसा बाहर आया? नहीं. सबस्ट्रेट के बॉन्ड तोड़े, क्या बनाए? प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाए एंड बेटा बीच में कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स.
ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट बाहर और एंजाइम बाहर, ठीक है. तो एंजाइम इज अनहार्म्ड, बट इन दिस रिएक्शन सबस्ट्रेट इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है. अब क्या ये इतना आसान था सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना? आपको क्या लगता है बेटा, आसानी से हो गया होगा? हैं, बड़ी आसानी से कि ये सबस्ट्रेट था, चलो जी एंजाइम डाला, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. नहीं बेटा, सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. क्या करनी पड़ती है बेटा? मेहनत करनी पड़ती है. तो देख लें इसकी मेहनत क्या है. हाँ जी, लेट अस सी कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको, ठीक है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है. सो इस जगह पर हम ले लेते हैं एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड इधर रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स. पोटेंशियल एनर्जी एंड इस एक्सिस पे हम ले लेते हैं रिएक्शन. आर एक्स एन इज रिएक्शन एंड कोऑर्डिनेट्स. ठीक, मान लीजिए बेटा यहां से हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज आवर सबस्ट्रेट, दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है. अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट की बेटा एनर्जी कहीं यहां पर आ रही है. दिस इज द पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है. तो अगर बेटा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो पहले उसको एक पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, एक हाई एनर्जी स्टेट में आना पड़ता है. देख रहे हो बेटा, हाई एनर्जी स्टेट में आना पड़ता है, फिर जाकर वो कहीं आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है. ये जनरल चीज है. इफ दिस सबस्ट्रेट वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट, फर्स्ट इट हैज टू कम ऑन एट दिस हाई एनर्जी स्टेट. मतलब उसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी. क्या कहलाती है ये हाई एनर्जी स्टेट? कौन सी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी? दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. दिस इज बेटा जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है. हर सबस्ट्रेट को बेटा जी, कोई इसमें वो नहीं है, यू नो there is no exception in this. Every substrate, if it wants to convert into product, it has to get on the high energy state. उसे बिल्कुल इस पहाड़ की चोटी पे आना पड़ेगा, और इस high energy state को हम बोलते हैं transition state. Transition state. ठीक है, वैसे ही transition state बड़ी temporary होती है, थोड़े से बिल्कुल seconds के लिए आती है. Yes? So this is highly temporary. And very very unstable, transient. कुछ seconds के लिए आएगी transition state, and जैसी आएगी उसके बाद आपका next step start हो जाएगा, product बनाने का start हो जाएगा. मतलब हर substrate को पहले high energy state पे जाना है, तभी वो product बन सकता है. लेकिन बेटा इतनी energy लेकर ऊपर जाना is not our cup of tea. हम नहीं कर सकते. हमारी body ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे पास तो ये activation energy है ही नहीं, मैं तो ये काम करा ही नहीं सकता हूँ, मैं किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा ही नहीं सकता हूँ. ये हमारी सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से लेके आए? अगर हम ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लेके आए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा. फिर बेटा रेस्क्यू करने के लिए आया कि भैया कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ. कौन? एंजाइम. एंजाइम आए, एंजाइम ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, अगर मैं इसको आधा कर दूँ तो चलेगा? चलेगा, उतनी एनर्जी तो ले आओगे ना. तो एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हुआ? एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा जी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. एंड अल्टीमेटली हम किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में. तो ये क्या है? दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, विद एंजाइम. तो इसने बॉडी का भार थोड़ा सा हल्का कर दिया कि बॉडी के पास इतनी सारी एनर्जी तो थी नहीं, तो एंजाइम ने कहा चलो ठीक है मैं एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता हूँ, अब तो तुम प्रोडक्ट बना लो, प्लीज बना लो. तो अल्टीमेटली एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी सेम रखी, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज की या फिर डिक्रीज की? हाँ जी बताइए. एंजाइम डैश द एक्टिवेशन एनर्जी. क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को? इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं या फिर रिमेन सेम?
सामने है आंसर ग्राफ में से देख के. हाँ जी बताइए. एंजाइम एक्चुअली यू कैन सी ओवर हेयर, एंजाइम एक्चुअली डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. क्या करते हैं? डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी. दिस एनर्जी कैन बी मैनेज बाय द बॉडी एंड दिस वे दे अल्टीमेटली इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक. यस गाइज, ये वाला डायग्राम क्लियर है सबको? देखिए बड़ी सिंपल सा फंडा है. अगर तुम्हें आम तोड़ना है, सामने बेटा आम का पेड़ लगा, आम तोड़ना है, तो गुलेल ऐसे मारते हो? गुलेल मार के बेटा पुराने समय में आम तोड़े जाते थे. अब भी जो गांव के आसपास रहते हैं उनके यही तरीका है बेटा आम तोड़ने का, है ना? तो फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है बेटा, गुलेल मारनी है तो पहले उसको पोटेंशियल एनर्जी दोगे, इस तरीके से एनर्जी भरोगे, तभी तो बेटा वो आगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा. सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हेयर. इफ यू वांट टू कन्वर्ट सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक इट इनटू हाई एनर्जी स्टेट. ये आपकी हाई एनर्जी स्टेट है. ऐसे गुलेल को ऐसे पीछे करते हैं ना, दिस इज हाई एनर्जी स्टेट. आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर दे रहे हो एंड अल्टीमेटली बेटा जब वो शूट होता है तो फिर उतनी एनर्जी से आगे होता है एंड अल्टीमेटली यहाँ पर सब्सट्रेट क्या कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, यस, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे क्या चाहिए थी? एक्टिवेशन एनर्जी. इफ आई वॉन्ट टू पे अटेंशन, इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सब्सट्रेट तो मुझे क्या क्या चाहिए? यस गाइस, तो मुझे क्या क्या चाहिए? सब आंसर ग्राफ में. सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था तो एक्टिवेशन एनर्जी तक लेके गए फिर छोड़ दिया. आई वॉन्ट टू रिवर्स दिस रिएक्शन. इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सब्सट्रेट देन वॉट एनर्जीज आर रिक्वायर्ड? क्या एक्टिवेशन एनर्जी से हो जाएगा? बताइए. यस, कैसे होगा? प्रोडक्ट इनटू सब्सट्रेट करना. हाँ बेटा, गुलेल ले आए हैं, अब उल्टा मारना है. अब उधर से जो तुम पत्थर लेके आए हो, पत्थर को वापस से गुलेल में डालना है. प्रोडक्ट इनटू सब्सट्रेट करिए. यस, एक बच्चा थोड़ा सा ठीक जा रहा है बेटा. अगर आप प्रोडक्ट इनटू सब्सट्रेट कन्वर्ट होना चाहते हो तो दो एनर्जीज चाहिए. यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यू नीड दिस गैप, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज द एनर्जी डिफरेंस. एनर्जी डिफरेंस, ठीक है. एक तो आपको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, प्लस आपको कौन सा बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा? एक्टिवेशन एनर्जी का. तो टू बैरियर्स हैव टू बी क्रॉस्ड इफ यू वांट टू रिवर्स दिस रिएक्शन. वन इज एनर्जी डिफरेंस, अदर वन इज गोइंग टू बी द एक्टिवेशन एनर्जी. दो बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे आपको, एक ये गैप और एक ये गैप, तब जाकर आप उल्टा रिएक्शन कर पाएंगे. ठीक है, तब जाकर बेटा जी आप उल्टा रिएक्शन कर पाएंगे. ठीक है, चलिए. तो ये बात हो गई आपके आपके एक्शन ऑफ द एंजाइम, किस तरीके से एंजाइम एक्ट करता है. ठीक है, एक्शन ऑफ द एंजाइम. अगला करते हैं यार. एक्शन करने के लिए ना दो लोगों ने, दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ना एक हाइपोथेसिस देखी किस तरीके से एंजाइम काम करता होगा. हाइपोथेसिस विच इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट. पहला देखो, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया दैट एंजाइम एंड सब्सट्रेट दे आर जस्ट लाइक द लॉक एंड की, चाबी और ताले की तरह. ठीक है, तो पहली हाइपोथेसिस थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस. लेट मी जस्ट शो यू. ओके, यस, यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एज आई टोल्ड यू कि एंजाइम के साथ कौन बाइंड करता है? सब्सट्रेट. सब्सट्रेट के बेटा बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट बनता है, एंजाइम बाहर आ जाता है और प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं? अपने अलग हो जाते हैं. एंजाइम को कुछ नहीं होता, एंजाइम को कुछ नहीं होता. दिस इज हाउ एंजाइम एक्ट्स ऑन. यस, फर्स्ट मॉडल जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉक एंड की मॉडल. हाँ जी, ध्यान दीजिए, लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था बेटा? दिस इज गिवन बाय एमिल फिशर. दिस इज गिवन बाय एमिल फिशर. बेटा ये सारे नोट्स आपको ना मिल जाएंगे. कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम पे मिलेंगे. टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. सो टेलीग्राम पे आप मैम के ये नोट्स डेफिनेटली ले सकते हैं. तो पहला है लॉक एंड की मॉडल. बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है, क्या रिक्वेस्ट रहती है मैम की, कि हाथ से बनाओ यार, थोड़ा सा अच्छा भी लगे, तुम्हारी कॉपी बने. बच्चे मेरे साथ नोट्स शेयर करते हैं, दे टैग मी विद देयर नोट्स एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल टू सी योर एफर्ट. टीचर को भी लगता है कि हाँ यार, बच्चा कुछ काम कर रहा है.
अरे हाँ, थैंक यू नो नेम फॉर मेकिंग अस रिमेंबर. मैं आपको विश करना भूल गई. टुडे इज बेटे दशहरा, विजयदशमी. सो हैप्पी दशहरा टू एवरी वन. जब हम छोटे थे, मतलब व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, इवन यंगर देन यू, तो वी यूज्ड टू गो टू अ ग्राउंड जहाँ पर पूरे शहर का एक इकट्ठा दशहरा, यू नो, रावण जलाते थे. वो जो रामलीला जहाँ पर चलती है एंड उसका जो एंड होता है, एंड द कैरेक्टर हु इज प्लेइंग राम एंड सीता, दे कम ओवर हेयर एंड देन दे, यू नो, रिलीज द एरो टू हिट द रावण, एंड अचानक से रावण में से फायर क्रैकर्स आते थे. सो यस, टुडे इज दशहरा. सो हैप्पी दशहरा टू एवरी वन. बट आज सिंस कोविड का टाइम है, पिछले साल भी ऐसा था, तो इतनी गैदरिंग अब नहीं होती है, और वो ठीक भी नहीं है जब तक हम इस पूरे पैंडमिक से कम्प्लीटली बाहर नहीं आते हैं. बट मुझे लगता है कि रादर देन सेलिब्रेटिंग दैट ओल्ड वर्ल्ड दशहरा जिसमें हम रावण को जलाते हैं, वी शुड वर्क टुवर्ड्स बर्निंग आवर इनर रावण. इनर रावण अब कौन है? हमारे अंदर रावण नहीं, हमारे अंदर रावण इज द काइंड ऑफ बैड हैबिट. सबके अंदर होती है, एवरी वन नोज कि मेरे में ये बुरी आदत है. जैसे हो सकता है आप में बुरी आदत हो कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, हो सकता है आपकी बुरी आदत हो कि यार मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करता हूँ, मैं कोई वर्कआउट नहीं करता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करता हूँ, या फिर मैं अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं करता. मतलब हर एक की एक बैड हैबिट होती है, एक क्या बहुत होती है, एंड बहुत अच्छी बात है अगर आप उस बैड हैबिट को जानते हैं. तो आज आपको दशहरा मनाना चाहिए बाय, यू नो, बर्निंग दोज बैड हैबिट्स. आप कम से कम एक बैड हैबिट को आज जलाकर अपनी लाइफ में ख़त्म कर सकते हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल स्पिरिट ऑफ दशहरा, आई बिलीव, है ना. वो तो चलो एक फन है, वो हमें करना ही चाहिए जो, यू नो, रावण जलाते हैं, बट हमें अपने अंदर के रावण को जलाएंगे तो हम ज़्यादा सुखी, ज़्यादा पॉजिटिव आने वाले समय में रह पाएंगे, है ना. तो सबसे पहले तो फिगर आउट करो कि कौन से तुम्हारी बैड हैबिट है. आधा 50% काम तो यही हो जाता है व्हेन यू एक्नॉलेज, जब आप खुद से सोच लेते हो कि हाँ, मान लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये मेरे में बुरी आदत है, फिर बेटा उसको जलाने का आज काम करो. डोंट वेट फॉर न्यू ईयर, है ना. न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, मेरा रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन है कि यार मैं कल से पक्का जिम जाऊंगा, मैं कल से टीवी नहीं देखूंगा, मैं कल से फोन पे से बात नहीं करूंगा. व्हाई टू वेट फॉर दैट, है ना, व्हेन यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. तो आज एक आदत चूज करो, उस आदत, बुरी आदत को बेटा जलाने का प्रण ले लो आज, ठीक है, है ना. यस गाइस, हाँ, जो भी है, लेजीनेस है, वट एवर इट इज, बट प्लीज एक्नॉलेज. अगर आपको आज पता है तो कॉमेंट सेक्शन में उस आदत को लिखिए. जब आप लिखेंगे तो बॉडी के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ती है. वो कहा जाता है ना कि बोल दो, लिख दो, जर्नल बनाओ, ताकि आप उस चीज को और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है, हाँ. राइट गाइस, चलिए आ जाए लॉक इन की मॉडल पे. ताला और चाबी लेके आते हैं. ले आओ बेटा ताला और चाबी. यहाँ पर एंजाइम क्या है? एंजाइम बेटा एक तरीके का ताला है. उस ताले की चाबी कौन है? सबस्ट्रेट है, ठीक है. अब एक ताला होता है, उसकी एक ही चाबी होती है ना, मल्टीपल चाबी तो नहीं होती है, अनलेस तुम चाबी वाले से जाकर बनवाओगे, मास्टर की नहीं लेके आओगे. तब तक तो एक ताले की एक ही चाबी है. तो एंजाइम हेयर इज अ काइंड ऑफ लॉक which can be opened by a single key. एक ही की है बेटा जो एंजाइम को ओपन कर सकती है, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक शेप वाली की है ना. हम शेप ही तो देखते हैं. वो तुमने पुरानी मूवीज में देखा है कि चाबी की कॉपी बनानी हो, उसे साबुन पे ऐसे, यू नो, वी विल प्रेस इट ऑन द सोप सो दैट द इमेज विल कम ऑन द सोप एंड वी विल टेक द सोप टू द चाबी मेकर एंड ही विल मेक अ न्यू चाबी आउट ऑफ दैट. हाउ? Because of the specific shape of that key. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि substrate की एक specific shape है, enzyme की active site की एक specific shape है, and a specific shape substrate can fit into the enzyme. ठीक है, अगर यही substrate बेटा अगर इस shape का होता तो क्या वो एंजाइम में जा पाता? नहीं जा पाता. That means both enzyme and substrate they have a specific shape. And they can fit just like that of lock and key. जब वो बेटा फिट हो जाएंगे क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक शेप थी, तब सबस्ट्रेट में चेंजेस आएंगे, वो क्या बना देगा? प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड. दिस इज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो कहती है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज नहीं होती. ऐसा नहीं कि तुम चाबी बदल लोगे एक्टिव साइट बदल जाएगी, नहीं बेटा, वो सेम रहेगी. इट इज स्टैटिक. एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल वही रहती है, चेंज नहीं होती. चाबी लेके आओ, नहीं तो बेटा हम नहीं खुलेंगे, ठीक. तो इट इज स्टैटिक. लेकिन अगर तुम
चाबी वाले से बिल्कुल मिलता जुलता असली की का कॉपी ले आए, है ना। कॉपी लेके आ गए तुम, कॉपी लेके आ गए बेटा इस तरीके का। मान लीजिए ये सबस्ट्रेट था, तुम इस तरीके की बेटा एक और चाबी लेके आ गए, लेकिन वो ओरिजिनल चाबी नहीं है। लॉक को क्या पता कि ओरिजिनल है या नहीं है। शेप मैच कर गई तो बेटा ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अगर तुम कंपटीशन में कोई और नकली चाबी ले आते हो सेम शेप वाली, तब भी बेटा ये ताला खुल सकता है, तब भी बाइंडिंग हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर कोई सेम शेप वाला इनहिबिटर आ जाए, इट कैन ऑल्सो बाइंड टू द एक्टिव साइड एंड इट कैन स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। Yes guys, it can stop the production of the product. So ये है पहला model which is called as lock and key model. यहाँ पे आप देख रहे हैं एंजाइम क्या है, एक तरीके का लॉक है। यहाँ पर देखिए सबस्ट्रेट के पास यानी कि की के पास एक स्पेसिफिक शेप है एंड एंजाइम कैन बी ओपनड अप बाय द स्पेसिफिक शेप सबस्ट्रेट ओनली, ठीक है। दिस इज लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहला मॉडल डन। नेक्स्ट मॉडल बेटा जी आता है, दिस इज कॉल्ड एज हैंड इन ग्लव मॉडल, हैंड इन ग्लव मॉडल, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है बेटा? ग्लव्स देखे हैं सबने, सबने बेटा जी ग्लव्स देखे हैं। ग्लव्स बेटा जी आपको शेप नहीं होती, ऐसे पड़े होते हैं मतलब विदाउट एनी शेप, लेकिन जब आप उसमें अपने फिंगर्स डालते हो इट टेक्स अप द शेप ऑफ योर फिंगर। आप डालोगे तो आपकी फिंगर्स की शेप ले लेगा, आपका ब्रदर डाले उसकी फिंगर की शेप ले लेगा, आपके पेरेंट्स डाले उनकी फिंगर की शेप ले लेगा, आपके फ्रेंड्स डाले उनकी फिंगर की शेप ले लेगा। दैट मीन्स इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि किसकी फिंगर आ रही है, एंजाइम और द ग्लव कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। समझ रहे हो? Yes, it can adjust. मान लीजिए ये आपका एंजाइम है, this is your enzyme. इसका जो catalytic unit है वो यहाँ present है, this is the catalytic unit. और ये है बेटा जी आपका substrate, this is the shape of the substrate, जिसको मुझे यहाँ बीच में से catalyze करना है। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम डज नॉट यू नो मैच टू द सब शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, मैच नहीं हो रहा, दोनों की अलग शेप है, लेकिन एंजाइम बड़ा दयावान, एंजाइम कह रहे चल ठीक है यार सबस्ट्रेट तू जैसा है मैं तेरे लिए खुद को बदल दूंगा। वो जो पिछला वाला था वो कहता था यार मैं तेरे लिए खुद को नहीं बदल सकता, मेरी शेप चेंज नहीं होगी तू कर ले। यहाँ पे बेटा एंजाइम को बहुत प्यार है सबस्ट्रेट से, वो कह रहा है कि चल ठीक है तू इस शेप का है मैं भी ये शेप ले लेता हूँ। ये भी क्या कहता है, एंजाइम कहता है मैं तेरे रंग में ढल जाऊंगा, ठीक है। ये अगर तेरा रंग है, ये अगर तेरी शेप है, तो मैं भी बेटा इस शेप में ढल जाऊंगा, ठीक है। तो एंजाइम ने भी थोड़ा सा चेंज किया, अपनी शेप भी चेंज कर दी एंड अल्टीमेटली अपना कैटालिटिक यूनिट इस जगह पर लेके आए, सो दैट बेटा सबस्ट्रेट कैन बी कैटालाइज एट दिस पोजिशन। यस, दिस इज हैंड इन ग्लव मॉडल। जो शेप बेटा सबस्ट्रेट की होगी एंजाइम भी उसी शेप में ले लेंगे। तो यहां से पता चला दैट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट स्टैटिक, चेंज हो सकती है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज एक्चुअली डायनामिक। कैसी स्टेट है बेटा जी? एक्टिव साइट इज एक्चुअली डायनामिक, पता चला। हाँ जी, कम ऑन, एक्टिव साइट इज एक्चुअली डायनामिक, पता चल गया? बताओ यार, यस, ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। दिस इज कॉल्ड एज हैंड ग्लव मॉडल एंड दिस इज गिवन बाय कोशलैंड। किसने दिया था? वो फिशर ने दिया था, ये दिया था बेटा जी कोशलैंड ने, ठीक है। चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं बेटा। फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइमैटिक एक्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमैटिक एक्टिविटी,
factors affecting enzymatic activity. सबसे पहला factor, yes guys, the first factor that we are going to discuss is going to be temperature. क्या temperature का enzyme की activity पे कोई भी effect होगा? हाँ जी बिल्कुल. एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही बेस्ट वर्क करते हैं. सो एंजाइम दे वर्क बेस्ट इन द एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है, एंजाइम दे वर्क बेस्ट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ये रेंज है बेटा, पूरी की पूरी रेंज है. ये क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम काम करते हैं. ना कम पे काम करेंगे ना ही ज़्यादा पे करेंगे. यानी कि अगर आप इससे लो टेम्परेचर कर देंगे तो बेटा एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, जम जाएगा, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा. एंजाइम इज गोइंग टू गेट इनएक्टिव. ठीक है, अगर आपने ऑप्टिमम से हाई कर दिया, इफ यू विल मेक दिस टेम्परेचर हाई, देन बेटा ये तो प्रोटीन था. हाई टेम्परेचर पे टर्शरी स्ट्रक्चर का तहस नहस हो जाएगा, वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा. दैट मींस हाई टेम्परेचर पे तो बेटा जी डीनेचुरेशन हो जाएगी उसकी. एंजाइम इज गोइंग टू गेट डीनेचर्ड, इट इज नेवर गोइंग टू कम एन इनएक्टिव स्टेज एवर, चाहे तुम कुछ टेम्परेचर कर लो. यानी कि इफ आई प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, इफ आई प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, इधर हम ले लेते हैं टेम्परेचर, इधर हम ले लेते हैं रिएक्शन की वेलोसिटी. एंजाइम बेस्ट कब काम करते हैं? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे. लो पे भी नहीं करेंगे, हाई पे भी नहीं करेंगे. दैट मींस द ग्राफ इज गोइंग टू बी अ बेल शेप कर्व, है ना? क्या कैसा कर्व बनने वाला बेटा जी? बेल शेप कर्व. और ये जो टेम्परेचर है, दिस इज ऑप्टिमम, दैट इज 25 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन बेटा जी अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में ऑप्टिमम टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर होता है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारी बॉडी का ये टेम्परेचर है. ठीक है, तो ये आप कर्व बिल्कुल याद रखना. द शेप ऑफ द कर्व इज बेल शेप कर्व, बेल शेप्ड कर्व. ऐसी होती है ना बेल घंटी? देखिए बेटा स्कूल में, अब मुझे पता नहीं है कि आजकल आपके स्कूल में कौन सी घंटी होती थी, बट हमारे स्कूल में तो बेटा यही बेल वाली ऐसी जैसे मंदिर में होती वैसी घंटी थी. नाउ सम ऑफ द स्कूल्स दे हैव दिस काइंड ऑफ घंटी, सम दे हैव यू नो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक बेल. तो कैसी भी हो सकती है ना? चलिए आगे आ जाइए. सही बात होगी आपके टेम्परेचर की. जब बेटा मैंने बोला कि तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो डीनेचुरेशन होगी, तुमने टेम्परेचर कम किया तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा. लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने से अचानक से डीनेचर नहीं हो जाता, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो डीनेचर होता है. दैट मीन्स लिटिल बिट इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज गोइंग टू हेल्प द रिएक्शन, है ना? फॉर एवरी टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर वो तो फायदा हो जाता है रिएक्शन को. रिएक्शन वेलोसिटी डबल्स. क्या हो जाता है? हर 10 डिग्री राइज पे जो रिएक्शन का वेलोसिटी है बेटा जी, वो क्या हो जाता है? डबल. ठीक है, 10 डिग्री राइज. इसीलिए जो अपना टेम्परेचर कॉफिशियंट है ना, दिस इज टेम्परेचर कॉफिशियंट. आप बेटा ये चीज़ें केमिस्ट्री में भी करेंगे. टेम्परेचर कॉफिशियंट इज गोइंग टू बी 2 or 3, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है. कि हर 10 डिग्री राइज पे क्या होता है? रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है. लेकिन अगर तुम ज़्यादा राइज कर दोगे तो बेटा अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? ये डीनेचर हो जाएंगे. सो ऑल ऑफ द एंजाइम दे वर्क वेल इन ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब बेटा बायो है क्या बिना एक्सेप्शन के चल सकते हैं? बिना एक्सेप्शन के नहीं चल सकते. देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस ऑल्सो. देयर इज वन एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होता, वो काम ही हाई टेम्परेचर पे करता है. सो द एक्सेप्शन हेयर इज, जिस पे ये ग्राफ एप्लीकेबल नहीं है, हाँ जी, एक्सेप्ट टैक पॉलीमरेज. This is the enzyme which works at very high temperature. Why? Because this is attained or derived from thermus aquaticus.
थर्मस एक्वाटिकस, जो कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स में होता है, बिल्कुल गर्म उस जगह पे मिलता है। तो इस बैक्टीरिया में से हम इस पॉलीमरेज को लेते हैं, तो यार बैक्टीरिया अगर सर्वाइव कर ले रहा है तो एंजाइम भी कर ही लेगा, है ना। एंड दिस इज यूज्ड इन पीसीआर। कब यूज करते हैं बेटा जी? बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगी पीसीआर। सो एंजाइम विच कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर इज टैक पॉलीमरेज। टैक का नाम ही कहां से आया? हाँ जी, टैक का नाम आया टी फॉर थर्मस, ए क्यू फॉर एक्वाटिकस, ठीक है, यहां से उसका नाम बना टैक पॉलीमरेज। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज गोइंग टू बी पीएच। कि एक एंजाइम किसी स्पेसिफिक पीएच पे ही काम कर सकता है, ठीक। अब ध्यान देना, आपकी बॉडी में सेल्स हैं, ठीक है, यस yes. कुछ एंजाइम तो सेल के अंदर काम करते हैं, कुछ एंजाइम सेल के बाहर काम करते हैं। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन एंजाइम्स विच आर कॉल्ड एज एंडो एंजाइम, एंडो एंजाइम। That means these enzymes would be present inside cell. Cell के अंदर बैठे हैं। कुछ enzyme क्या होंगे बेटा जी? Exoenzyme. They are released outside the cell. Cell के बाहर भी तो जगह होती है, tissue fluid, lumen, यहाँ पे भी तो जगह है, ठीक है। तो जो endoenzyme है, for endoenzyme, the optimum pH is going to be the neutral pH. कितनी? 7। जो न्यूट्रल पीएच है बेटा, दैट इज द ऑप्टिमम पीएच। जो जो एंजाइम सेल के अंदर है वो 7 पीएच पे अच्छा काम करेगा। लेकिन बेटा जो एक्सो एंजाइम है, इसका ऑप्टिमम पीएच इज वेरिएबल। हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम होता है। देखो, हम ऐसे रेंज नहीं बना सकते, जैसे टेम्परेचर में तो रेंज बता दी कि 25 से 40 के बीच में, यहां पर ऐसा नहीं होता। एवरी एंजाइम हैज डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। एग्जाम्पल बेटा जी अगर लेंगे, जैसे जो सलाइवरी अमाइलेज है बेटा, खुशी की बात है कि हम मंडे से ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तुम लोग कह रहे कि मैम ह्यूमन फिजियो, तो बेटा डिफिकल्ट चैप्टर हो जाएगा आज अपना। मंडे से अपने इंटरेस्टिंग, मज़ेदार डॉक्टर बनने वाले चैप्टर शुरू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियो। तो वहाँ पे हम करेंगे कि सलाइवरी अमाइलेज का ऑप्टिमम पीएच कितना है? 6.8। अगर मैं बात करूँ पेप्सिन का, तो इसका ऑप्टिमम पीएच आता है 1.2 to 1.8। दैट मींस हर एंजाइम का ना पीएच अलग है, तो हर एंजाइम का ग्राफ भी अलग है, है ना। तो हर एंजाइम का ग्राफ भी अलग है। चलिए बनाकर देखते हैं ग्राफ। इधर ले लेते हैं पीएच, इधर ले लेते हैं रिएक्शन की वेलोसिटी। हर एंजाइम एक ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पीएच है मान लीजिए 8, तो ये एंजाइम हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। किसी और एंजाइम की पीक ऐसे भी बन सकती है, पीक कुड बी लाइक दिस आल्सो, है ना। जिसका ऑप्टिमम पीएच कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। दैट मींस दिस कुड बी पेप्सिन। तो एवरी एंजाइम विल हैव अ डिफरेंट पीक, लेकिन पीक बनेगी बेल शेप ही, क्योंकि ना ये कम पे अच्छा काम करेंगे ना ज्यादा। सो द कर्व इज गोइंग टू बी बेल शेप्ड कर्व। हाँ जी, बता दो बेटा जी, क्या इतना समझ आया कि बेल शेप क्यों है? कर्व इज गोइंग टू बी बेल शेप कर्व। जिसको समझ आ गया फटाफट से अपनी फेवरेट वाली इमोजी भेजिए एंड फटाफट से सेशन को लाइक करो, जल्दी से बेटा जी। हाँ जी, यस। रोज की टाइमिंग्स मिस क्वीन ऑफ हार्ट्स है 3 बजे यूट्यूब पे, 3 बजे, और अगली क्लास भी आज 5:30 बजे बेटा। वी आर मीटिंग अगेन। किस लिए मीट करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इसके, PYQs। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQs ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर खत्म हो जाएगा ना आज, है ना बेटा जी? चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके, यस, चलिए आगे आ जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है ना, तो आप मेरे से स्पेशल क्लास में पूछ सकते हैं। स्पेशल क्लास इज रियली इंटरैक्टिव। यहाँ पे शायद मैं आपके 100% सब बच्चों के डाउट्स नहीं सॉल्व कर पाती, बिकॉज यूट्यूब इज बेसिकली वन वे इंटरैक्शन। लेकिन स्पेशल क्लास में बेटा जी
मुझे सबके कमेंट्स दिखते हैं एंड इट इज़ मोर इंटरैक्टिव. तो 5:30 बजे की क्लास मैंने पिन कराई हुई है, उसमें ज़रूर हाजिरी लगवाना. ये क्या आ गया, अभी इनहिबिटर नहीं आया, रुक जाइए. ओके यस, नेक्स्ट फैक्टर, तीसरा बेटा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज बेटा कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, क्या एंजाइम को सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से कोई फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं बेटा जी, थोड़ा सीधा बनाते हैं. यस, आ जाइए. ओके ठीक है, सो दिस इज रिएक्शन वेलोसिटी, सेम लेंगे रिएक्शन वेलोसिटी, इस एक्सिस पे लेते हैं हम, और इस एक्सिस पे क्या लेंगे बेटा जी, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. तो हम जानना चाह रहे हैं, डज एंजाइमैटिक एक्टिविटी अफेक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. देखिए बेटा, आपको इतना याद होगा कि एंजाइम किससे ज्वाइन करते हैं, सबस्ट्रेट से ज्वाइन करेंगे, एंड क्या बना लेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दे आर गोइंग टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, दे आर गोइंग टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली बेटा यहाँ पे एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग. ठीक है, ये आपको पता है. जब तक तो एंजाइम है तब तक सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ. मान लीजिए आपके पास 100 एंजाइम है, कितने हैं 100 एंजाइम है, आपने सबस्ट्रेट 10 डाले, 10 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए. आपने 20 डाल दिए, 20 बन गए. आपने फिर 50 डाल दिए, 50 भी बन गए. आपने 80 डाले, 80 बन गए. 100 डाले, 100 बन गए. लेकिन अगर आप 120 सबस्ट्रेट डाल दोगे, उनका क्या होगा, अब तो एंजाइम बचा ही नहीं. सारे एंजाइम, 100 एंजाइम थे, 100 के 100 किसी के साथ बॉन्ड बनाकर बैठे हैं, उनका क्या होगा बेटा. दैट मीन्स कुछ समय तक तो जब आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो एंजाइम की रिएक्शन बढ़ती है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, टिल द टाइम वी हैव फ्री एंजाइम. बट बाय द टाइम फ्री एंजाइम्स आर नॉट देयर, बाय द टाइम ऑल द एंजाइम्स दे आर सैचुरेटेड, बाय द टाइम ऑल द एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स, तब बेटा रिएक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी. समझ रहे हो, कुछ टाइम तक तो बढ़ेगी. बढ़ क्यों रही है, क्योंकि अभी खाली एंजाइम बचा है. जब बेटा खाली एंजाइम खत्म हो जाएगा तब तुम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिकॉज ऑल नो एंजाइम इज फ्री टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट. ठीक है, सो इस स्टेज पर जो आपकी वेलोसिटी आएगी, है ना, इस स्टेज पर बेटा जी जो वेलोसिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. मैक्सिमम वेलोसिटी को बेटा जी हम बोलते हैं वी मैक्स. This velocity is called as Vmax. That is the maximum velocity. इससे ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है, इसका हाफ ले लो कि बेटा जी somewhere it is going to come this point is going to called as Vmax by 2. Half the maximum velocity. ठीक है, Vmax by 2. ठीक है, अब वो substrate की concentration, please pay attention guys, यहीं पे आपके सारी चीज गड़बड़ खाती है. अब हम करने वाले हैं एंजाइमैटिक इनहिबिशंस. अगर आपने ये ग्राफ नहीं समझा तो अभी भी इनहिबिशंस आपको समझ आ ही नहीं सकती, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टिपिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो एंजाइमैटिक इनहिबिशन ज़रूर अभी समझ लो, उस पर सवाल आता है. ठीक है, सो आई एम सेइंग वी मैक्स बाई 2 पे जो आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज KM. क्या बोला जाता है इसको, KM. KM is Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant. This is called as KM. Are you getting? So, enzyme per या फिर reaction per क्या concentration of substrate का effect है? बिल्कुल. कुछ समय तक जब आप रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन जब आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बढ़ाई, रिएक्शन वेलोसिटी नहीं बढ़ी, अपनी वी मैक्स पर रह रही है. ठीक है, वी मैक्स पर रह रही है. सो KM क्या है, अगर आपसे कोई पूछे KM क्या है, आई एम आस्किंग, क्या KM एक रिएक्शन की वेलोसिटी है या KM एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है? कम ऑन गाइस, बताइए. इज KM
a velocity of a reaction or is it concentration of substrate? हाँ जी बताइए. Is it concentration of substrate or velocity of reaction? जिस एक्सिस पे आ रही है बेटा वही है, जिस एक्सिस पे आ रही है वही है. Km किस एक्सिस पे आ रहा है? Km आ रहा है बेटा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे. सो Km इज बेसिकली दैट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम. ये वो कंसंट्रेशन है बेटा जी सबस्ट्रेट की जब आपकी रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्स बाय टू. अब सवाल आता है कि क्या किसी रिएक्शन का केएम कम हो तो अच्छी बात है या फिर ज़्यादा हो तो अच्छी बात है? बताइए, केएम कम होने पे फ़ायदा है या फिर ज़्यादा होने पे फ़ायदा है? कम ऑन, थिंक लिटिल बिट, थिंक. केएम कम होने से फ़ायदा है बेटा जी या फिर ज़्यादा होने से फ़ायदा है? कि एक रिएक्शन का केएम ज़्यादा हो तो अच्छी बात है रिएक्शन के लिए, या एक रिएक्शन का केएम कम हो तो अच्छी बात है? यस बेटा जी, केएम कम होने का मतलब है लेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू रीच वी मैक्स बाय टू. केएम ज़्यादा होने का मतलब है मोर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू रीच वी मैक्स बाय टू. हम चाहते हैं कि हम जल्दी से कम हाफ वेलोसिटी तो अटेन कर लें. सो लेस द केएम बेटर इट इज फॉर द रिएक्शन. हम चाहते हैं कि केएम कम हो और रिएक्शन बेटा अच्छे तरीके से चल पाए. दैट मीन्स द केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर. केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर. अगर किसी रिएक्शन का टर्नओवर मतलब एक तरीके से स्पीड, कि किस स्पीड से वो प्रोडक्ट बनाता है, अगर किसी रिएक्शन का टर्नओवर नंबर ज्यादा रखना है तो केएम कम होगा तो अच्छा है. ठीक है, एंड ये जो ग्राफ बना है बेल शेप कर्व नहीं है. द शेप ऑफ द ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है बेटा जी, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यस गाइस, क्लियर है सबको? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है? तो हमने बेटा जी बात कर ली है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है. एंड द लास्ट वन वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने से क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, हाँ जी. तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगला टॉपिक बचा है एंजाइमैटिक इनहिबिशंस, वेयर वी आर टू टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल्स और प्लस इनहिबिशन प्लस फीडबैक इनहिबिशन. क्या वो अभी कर लें या कल जब फास्ट ट्रैक वाला आएगा तब करें? यस गाइस बताइए, तुम बताओ. नेवर, कभी मत करो. ठीक है शिजुका, तुम कभी मत आना या फिर खत्म कर दें. वी इट विल टेक हाफ एन प्रॉबली 20 to 25 minutes more. यस चलो बेटा, कल वैसे मैंने इसका फास्ट ट्रैक रिविजन कराना है पूरे चैप्टर का, जस्ट ओवरव्यू फ्लो चार्ट माइंड मैप्स की फॉर्म में कराना है. तो कल मैं फिर आपको डिटेल में इसके एंजाइमैटिक इनहिबिशंस भी करा दूंगी. ठीक है, एंजाइमैटिक इनहिबिशंस बेटा फिर हम कल वाली क्लास में कर लेंगे, लेकिन आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास होगी. कितने बजे है? 5:30 बजे है. सेशन मैंने क्या करा दिया है? पिन करा दिया. ठीक है, सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला जो पोर्शन है या इनहिबिशंस एंजाइमैटिक इनहिबिशन वाला बेटा जी जो पोर्शन है वो हम कर लेंगे कल की क्लास में डिटेल में. ठीक है, चलिए. एक बात मुझे आपसे करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जरा सुनो. कहाँ गए तुम? जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गई हमारी बात? एक मिनट. हाँ, हमारी बात ये रही, ये मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव कल बताती हूँ. यस, पहली चीज बेटा कि अभी हम मिलने वाले हैं 5:30 पे. आपके पास हाफ एन आवर का, एक घंटे का रादर गैप है. उस एक घंटे में चैप्टर को रिवाइज कर लो, क्योंकि इस टाइम पे हम डिस्कस करने वाले हैं सम गुड
लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इस क्लास का लिंक पिन करा दिया है, वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल भी मिलेगी, इस तरीके की प्रोफाइल है। तो बेटा प्रोफाइल में जाकर मैम को फॉलो कर लेना ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन आए, एंड अगर क्लास अनलॉक करने का ऑप्शन आए तो बेटा आप कोड यूज कर सकते हो क्योंकि ये फ्री क्लास है। बाकी बेटा प्लस और आइकॉनिक पे बहुत सारे अमेजिंग बैचेस हैं। मेरा जो बैच चल रहा है दैट इज कॉल्ड एज द मेधावी बैच फॉर प्लस, ठीक है, मेधावी बैच फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड इस मेधावी बैच में बेटा आइकॉनिक और प्लस दोनों के यूजर्स पढ़ रहे हैं। दो बैचेस हैं बेटा, दोनों एक ही नाम से, 2022 के लिए अलग है, 2023 के लिए अलग है। दोनों में एनरोल कर सकते हो। कोड आपके लिए क्या रहेगा? कोड इज गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ, ठीक है। आइकॉनिक पे भी मेरे सेशंस होते हैं, प्लस पे भी होते हैं। अंतर सिर्फ बेटा आइकॉनिक और प्लस में इतना है कि आइकॉनिक में आपको 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से अगर ले ही रहे हो तो डेफिनेटली आइकॉनिक लीजिए। यस, ये इंपॉर्टेंट बात करनी थी कि बेटा जो बच्चे 9th या 10th में हैं उनके लिए देयर इज अ कॉम्बो ऑफर जिसमें वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड दे आर गोइंग टू गेट 4 ईयर ऑफ हेल्प फ्रॉम 4 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर नीट बेटा, ठीक है। सो क्लास 9, 10, 11, 12 फॉर 4 ईयर्स एंड ओनली इट इज़ फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर। तो आप लोग तो मुझे लगता है 9, 10 में नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, कोई पड़ोसी है, कोई जूनियर है, कोई जानने वाला है जो बेटा 9th और 10th में श्योर है कि उसके नीट या फिर IIT करना है, तो वो बेटा CBSE के साथ ही सब्सक्रिप्शन ले सकता है एंड द अर्ली दे विल टेक द बेटर इट इज़ फॉर देम, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 500 वालों को ही मिलेगी। साथ ही में फाउंडेशंस प्लस नीट UG ये भी लिया जा सकता है। दे हैव टू बाई 2 ईयर कॉम्बिनेशन एंड दे आर गोइंग टू गेट 2 ईयर एक्सटेंशन। नीट UG और बेटा CBSE का 2 साल का कॉम्बिनेशन लेंगे तो उनको 2 साल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। देखो जब डॉक्टर बनना ही है, डिसाइड कर ही लिया है, तो वाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम अर्ली। आप कितने भी टॉपर्स देख लो, टॉपर हमेशा वही होता है जो फर्स्ट रैंकर होता है, सेकेंड रैंकर, वो बेटा 8th क्लास से शुरू करता है, 4 भी नहीं 5 साल से बेटा उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। सो इस पे देयर इज अ ह्यूज ऑफ एंड अगेन इट इज़ ऑल्सो फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। अब जो बच्चे 11th, 12th में नहीं हैं, जो ड्रॉपर हैं, जो 11th में हैं, जो 12th में हैं, उनके लिए बेटा वी हैव अ कॉम्बैट, आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, सिर्फ 9th, 10th वालों के लिए नहीं है। बेटा जो बच्चे अभी 11th, 12th या फिर ड्रॉपर हैं उनके लिए स्कॉलरशिप पाने का तरीका है इस संडे। इस संडे को होने वाला है कॉम्बैट। कॉम्बैट एक फ्री टेस्ट है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जितने परसेंट आपके मार्क्स आएंगे, यानी कि जितने परसेंट स्कॉलरशिप होगी उतना ही आपको ऑफ हो जाएगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पर। और इस बारी वाले कॉम्बैट पे जो 17th of October को होने वाला है, देर इज अ गारंटीड स्कॉलरशिप, हर बच्चे को मिलनी ही मिलनी है, इट इज कंपल्सरी, कुछ ना कुछ तो करके आओगे। सो 60 मिनट्स का टेस्ट होगा संडे को सुबह 11 बजे एंड 28 questions बेटा उसमें आपके पूछे जाएंगे। सो देर इज गारंटीड स्कॉलरशिप October 17th 11 AM। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डेफिनेटली गाइज एनरोल। Top 3 रैंक को तो फ्री है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, उसके बाद बेटा जैसा जैसा आपका रैंक आएगा वैसा। अभी कॉम्बैट आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं? आप अपने फोन पे बैठ के दे सकते हैं, एंड्रॉयड फोन, या फिर अब आप वेब वर्जन पे भी दे सकते हैं, वेबसाइट पर भी कॉम्बैट दे सकते हैं, ठीक है। सो ये सिलेबस है बेटा, इस बारी के कॉम्बैट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे हो जाती हूँ, ठीक है, ले लिया। हाँ जी, तो 11th के लिए अलग होता है, 12th के लिए अलग होता है, 13th के लिए अलग होता है। 11th, 12th, 13th देख लेना तुम किस क्लास में आते हो, उसका सिलेबस नोट करो एंड उसकी प्रिपरेशन भी करते जाओ, ठीक है। एंड दिस इज बेटा द बिगेस्ट कॉम्बैट एवर, तो जरूर एनरोल करिए। आपका क्या जा रहा है यार, फोन पे बैठ के टेस्ट देना है। मान लो अगर तुम टॉप 3 में आ गए ना अकेडमी पे, हमसे पढ़ने का मौका फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता है ना। नहीं दोगे तो बेटा घाटा ही घाटा है, राइट गाइज। बाकी अगर बड़े मन होता है सबका कि यार मैं टॉपर से जानना चाहता हूँ, एम्स के बच्चे ने कैसे तैयारी की थी, होता है ना मन जानने का कि यार जो बच्चा अभी VMMC में है, जो MAMC में है, उससे मुझे जानने की यार उसने कैसे तैयारी की थी। तो उसके लिए बेटा वी आर ब्रिंगिंग एक्सेल फॉर बोथ IIT JEE एंड NEET UG, ठीक है, जिसमें एक सेमिनार टाइप है, फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, जिसमें वी आर इन्वाइटिंग द टॉपर्स ऑफ 2020 जो आपके साथ आकर इंटरैक्ट करेंगे एंड दे विल टेल अबाउट देयर जर्नी एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। सो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक October 23rd को आप उन टॉपर से रूबरू हो सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एनरोलमेंट है, इसका लिंक भी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड लगा देना सीप लाइफ, देयर इज फ्री एनरोलमेंट ऑल्दो, ठीक है।
So NEET Excel mein you will get a chance to meet the toppers of 2020 and they will share their journey with you. Kaun milega beta aapko? Abhyuday Pradap Singh, Ridham Agarwal. Dekh rahe ho? All India 17, All India rank 2020 ka 17 and 2019 ka 17. So you will meet them and also you will get to learn from them. ठीक है, बाकी बेटा सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया. अभी इज द बेस्ट टाइम क्योंकि अभी हाल ही में बैच स्टार्ट हुआ है. तुम लोग डिले करते हो तो तुम्हारा बैकलॉग बढ़ता है, बैकलॉग बढ़ता है तो आगे मार्क्स कमाते हैं, मार्क्स कमाते हैं तो कॉन्फिडेंस लूज होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है तो क्रैश कोर्स में जाते हो, क्रैश में और क्रैश हो जाते हो एंड अल्टीमेटली मार्क्स नहीं आते हैं. सो दिस इज अ विशियस साइकिल जो कैसे ठीक हो सकता है किसी भी साल की स्टार्टिंग में. अभी बेटा स्टार्टिंग है 2022 की, अभी अगर स्टार्ट कर लोगे तो बेटा आगे मुश्किल नहीं आएगी और एक साइकिल ब्रेक कर पाओगे. ठीक है, तो मिलते हैं बेटा 5:30 पे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पिंड ओवर हेयर, तो जरूर आइएगा. कोड पूछे तो कोड डाल देना सीप लाइफ एंड एंजाइमेटिक इनहिबिशंस और चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिविजन हम करेंगे कल दोपहर को 3 बजे इसी चैनल पर इसी वक्त. तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी नीट को. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.